क्वेश्चन में लिखा है ज्योति लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹60 पर शेयर। देखो शेयर कितने का है, 100 रुपीज का। प्रीमियम अमाउंट देखो बेटा क्या है उसमें, थर्टी नहीं 60। देखो क्वेश्चन है सिक्सटी रुपीज ना, सिक्स हाँ देखो 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं, समतांश हैं, एक शेयर है ₹100 का और उसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है वो दे रहा है ₹60। मतलब टोटल शेयर वो कितने में बेच रहा है, 160। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है, मैंने बोला था वर्किंग नोट आप लोगों को बहुत अच्छे से बनानी है, 20। अलॉटमेंट यानी आवंटन भी कितना दे रहा है, 50। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मतलब प्रथम एवं अंतिम याचना पे दे रहा है आपको, ये देखो शेष राशि जिसमें ₹30 प्रीमियम का है। अब देखो यहाँ पे 10 प्रीमियम का है तो ये जो अमाउंट है 20, इसमें देखो अब देखो है बहुत सिंपल चीज बर्किन, लेकिन जो वर्किंग नोट है वो थोड़ी सी इलैबोरेटिव वे में करनी है। तो 10 प्रीमियम का है तो 10 + 10 हुआ ये, फिर इस 50 में 20 प्रीमियम का है तो ये कितना हुआ, 30 + 20 हुआ। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोलता है 30 प्रीमियम का है, 30 प्रीमियम का इट मीन्स इसमें +30 प्रीमियम का है। टोटल प्रीमियम का देखो कितना है, ₹60, 20 सॉरी 10 और 20 30, 30 और 30 60, ये प्रीमियम का हो गया 60। शेयर कितने का है, 100 का, तो 20 सॉरी ये देखो ये शेयर का ₹10 यहाँ लिया, ₹30 यहाँ लिया, तो 10 और 30 कितना हुआ, 40। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ये कितने का होगा, देखो 60 का होगा, तभी तो ये 100 का बनेगा। और यहाँ पे कितना कॉल करेगा, ये 90। आया समझ में, तो इसको टोटल करो 50 20 70 70 + 90 हो जाएगा 160। ये देखो यहां तक कोई डाउट है किसी को, आया समझ में कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको। इसको देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है। एक तो इसमें प्रीमियम का है प्लस इसमें क्या है, रिफंड भी हो रहा है, प्लस इसमें जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो एडजस्ट भी हो रहा है और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है। तो मतलब जितना एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होता है वो सब इस छोटे से क्वेश्चन में आ गया। तो मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस की वैरायटी करवा रही हूँ वो पार्ट पार्ट में करवा रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि उसमें वैरायटी कवर हो रही है। इसके बाद जब आप लोग बैक क्वेश्चंस बना रहे हैं, अगर आप लोग नहीं स्टार्ट किए हो तो उसको स्टार्ट कर लो, क्योंकि जो भी वर्किंग नोट का पोर्शन होता है वो आपका यहाँ पे मैं कवर करते जा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ज्योति लिमिटेड इश्यूड 8,000 इक्विटी शेयर्स, ये हो गया 10,500 अंशों के लिए आवंटन प्राप्त हुए। ये देखो करना कितना था, 8,000, मिल कितना रहा है, 10,500 एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2,000 अंशों के आवेदकों को आवंटन में समायोजित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट इसमें देखो जो 2,000 जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको क्या किया, कहाँ पे वो एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में उसको एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो और शेष अंश वापस कर दिए गए, यहाँ पे ना शेष आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, वो शेष लिखा है और के बाद यहाँ पे शेष है ना, शेष अंश वापस कर दिए गए, आवश्यक एंट्रीज करो। अब देखो शेष मतलब कितना बचा है, ये हुआ कितना 8,000, ये हो गया 2,000, और कितना बचा टोटल 500 बचा, जिसको क्या कर रहा है ये रिफंड कर रहा है।
आ रहा है समझ में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यस मैम। अब देखो, चलो मैंने कल बताया था ना आपको, एक चार्ट बनाना है। देखो यहां पे लिखना एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है? टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है? 10,000 वाला लिखो, सॉरी। दस हजार 500, फिर लिखना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमेशा एप्लीकेशन ये शेयर्स से रिगार्डिंग रिगार्डिंग होगा, है ना? नंबर ऑफ शेयर्स 10,500 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी रिसीव्ड हुई होगी? 20 रुपए। 10 रुपए किसका रिसीव हुआ होगा? प्रीमियम का, है ना? तो 10,500 इंटू 20 करो, 2,10,000। ठीक, फिर देखो एप्लीकेशन एक्चुअली अलॉटेड, उनको रियल में कितना अलॉट किया, आबंटन 10,000। अलॉट कितना कर रहे हैं अपन उनको, सॉरी 8,000 कर रहे हैं। आठ हजार में से बाकी उसका अमाउंट कितना होगा, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कितना हो गया? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल लिखना कितना होगा, 8,000 इंटू उसमें से करेंगे तो बताओ। नहीं आ रहा है समझ में बेटा? कहीं पे डाउट है किसी को? बताओ। मैम 1,60,000 आएगा क्या? हाँ, 1,60,000 आएगा, लेकिन कहीं पे डाउट है क्या? तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो ना बीच बीच में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग को समझता है कि नहीं समझ रहा है कुछ। इधर देखो 500 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड कितना जाएगा 500 इंटू 20 के हिसाब से? 10,000 रुपीज। अब देखो ये जो 8,000 शेयर्स दिया है, बाकी जो 2,000 शेयर्स, इसको क्या किया है, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हो गया? 2,000 शेयर्स पे 20 रुपए अगर मिल रहा है, तो 2,000 इंटू 20 कितना हुआ? 40,000 हुआ। 40,000 40,000 यहां तक समझ में आया? अब देखो यस मैम। जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने की है? सिर्फ 10 रुपए की है ना। ये देखो, ये 20 में 10 तो क्या था इसका, ये प्रीमियम था। ये देखो ये तो प्रीमियम वाला पोर्शन है ना इसका, 10, 20 में से 10 क्या है इसका, ये देखो प्रीमियम है। तो जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी थी वो कितने की थी? सिर्फ 10 रुपीज की थी। तो जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी जो शेयर कैपिटल में जाएगी वो 10 रुपए के हिसाब से जाएगी, तो कितनी जाएगी? 80,000। और बाकी जो 10 रुपए होगा वो किसमें जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि देखो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है ना बेटा इसमें। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? यस मैम। तो देखो फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
एप्लीकेशन के साथ जितना भी मनी रिसीव हुआ, ये देखो ये 2,10,000, लेकिन जब एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देखो, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था 10 रुपए। देखो यहाँ पे मैंने करवाया था ना अलग अलग, तो 8,000 शेयर्स पे ये 10 रुपए जाएगा कैपिटल पे और 10,000 जाएगा प्रीमियम रिजर्व। तो ये देखो कितना हो गया आपका 80,000, ये भी हो गया 80,000। अब देखो टू ये वाला एडजस्टमेंट में अलॉट कर रहे हैं 2,000 शेयर्स का अमाउंट कितना रुपए, 20 रुपए से, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दो हजार शेयर्स का कितना रुपए आया था, 20 रुपए, तो 2,000 का 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 40,000। फिर देखो ये वाला भी हो गया, और ये जो 500 शेयर्स को रिफंड किया था, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में रिफंड लिख लेना समझने के लिए, 500 शेयर्स थे उनपे 20 रुपए, तो 500 × 20 कितना हुआ 10,000, टोटल करो कितना हुआ 80, 80, 40, 10 आ रहा है समझ में क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? यस मैम। कहीं पे डाउट है किसी को? कहीं पे भी? देखो ये जो पोर्शन मैं ब्रेक करवा के करवा रही थी, इसका करवाने का सिंगल सिर्फ एक यही रीजन था कि जब आप ये वाली एंट्री करेंगे ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये जो एंट्री हमने की अभी, इसमें हमेशा देखो ऐसे ये कॉलम बनाना, एप्लीकेशन टोटल कितना रिसीव हो रहा है, फिर मनी कितना रिसीव हो रहा है, फिर अलॉट कितने का शेयर्स का कर रहे हैं अपन 8,000। देखो ये मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, आप उसको देखते जाओ। 8,000 समतांश निर्गमित किए, तो हम 10,000 तो कर ही नहीं सकते, 8,000 ही कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन मनी जो एक्चुअली रिसीव्ड होगी, तो क्वेश्चन में देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है 20, लेकिन ब्रैकेट में दिया है कि 10 रुपए प्रीमियम का है, तो ये जो 10 रुपए प्रीमियम का है तो एप्लीकेशन का एक्चुअल कितना हो गया, सिर्फ 10 रुपए, इसलिए एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितनी हुई 10 रुपए के हिसाब से, ये 80,000। ये देखो ये यहाँ पे मैंने लिया आपका 80,000, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है, कहीं डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। सेकंड एंट्री करवाऊं, लिखा आपने? यस मैम। चलो सेकंड एंट्री करते हैं उसकी अलॉटमेंट, मैंने ये रफ कर रही हूँ ये पूरा। और जहां पे नीड होगा तो मैं उसको फिर से लिख दूंगी। अब आप नेक्स्ट एंट्री देखो, अब अलॉटमेंट की मनी क्या होगी, ड्यू होगी, ठीक है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड हुआ। अब थर्ड एंट्री देखो, यहाँ पे बना रही हूं मैं, आपके स्क्रीन पे पूरा विजिबल होता है कि नहीं होता है, मैं जो भी टाइप करती हूँ? होता है मैम। ठीक होता है मैम। अब देखो नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है ड्यू यानी देय की राशि जो अलॉटमेंट में देना है। फिर प्रीमियम भी है इसमें, देखो 20 रुपीज फॉर प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो प्रीमियम का कितना रुपए है, 20 रुपए, तो शेयर्स कितने हैं 8,000, तो 8,000 शेयर्स पे 20 रुपए प्रीमियम का, और 8,000 शेयर्स पे
अलॉटमेंट का कितना है 30, और शेयर अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट ड्यू कितना होगा 8,000 × 50। तो इसका अमाउंट देखो आएगा मेरे हिसाब से 2,40,000 आएगा, और ये आएगा आपका 1,60,000। ये हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री देय राशि। लेकिन जब वास्तविक में प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, कितना मिलना चाहिए था अपने को 4,00,000। देखो अब फर्स्ट सेकंड एंट्री देखो, ये वाली जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो अलॉटमेंट में हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन का एडजस्ट किया था, ये यहाँ पे देखो कितना 40,000। तो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आएगा, ये 2,00,000 रुपए है, सॉरी 4,00,000, तो इसमें से 40 माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो हमको मिल चुका है, तो ये हो जाएगा 3,60,000। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। थर्ड और फोर्थ एंट्री, अब फिफ्थ और सिक्स्थ करते हैं अपन। अब तो इजी है फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री है बस, और कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट देखो, अब मैं ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री रिमूव कर रही हूँ। फिफ्थ एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, देखो प्रीमियम इसमें भी था 30 रुपए का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर्स कितने हैं 8,000, टोटल कितने का पड़ रहा है 90 का, तो 8,000 × 90। अब देखो कैपिटल में कितना जा रहा है 60, तो 8,000 × 60, और प्रीमियम का है 30 रुपए, तो 8,000 × 30, तो 8,000 × 90 7,20,000, 8,000 × 60 4,80,000, और ये हो जाएगा 2,40,000। ये थी ड्यू की एंट्री देय राशि। अब हमको जब एक्चुअल रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7,20,000, 7,20,000। तो जब आपको एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रीमियम पे इशू भी करता है फिर फोर फीचर भी करता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सिलेक्ट करके रखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हो जाए तो बताना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। देखो रत्नेश कंपनी लिमिटेड 10,00,000 रुपए की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत की गई थी, जो कि 100 रुपए वाले 10,000 समता अंशों में विभाजित थी। तो 10,000 शेयर से कितने रुपए वाले 100 रुपए वाले। आगे देखो
कंपनी ने जनता को 5,000 समता अंश जारी किए तो 10,000 शेयर्स हैं, लेकिन ये अभी इश्यू कितना कर रही है? सिर्फ 5,000 शेयर्स। देखो कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपए वाले। एप्लीकेशन पे कितना ले रही है? 50। अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे भी 20 और फाइनल कॉल पे 10। 50, 20, 20, 10 टोटल करो, ये हो गया 100, ये हो गया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ये हो गया फाइनल कॉल। नेक्स्ट देखो, कंपनी ने 4,000 समता अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए, जो कि आगे देखो कंपनी को रिसीव्ड कितने हो रहे हैं? 4,000 के लिए एप्लीकेशन मिल रहे हैं, यानी 5,000 का अप्लाई करवा रही है और आ कितना रहे? 4,000। इट मींस शेयर्स कम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब 5,000 के लिए 2 और 7,000 आए तो वो क्या हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी ये क्या हो रहा है? अंडर सब्सक्रिप्शन, कम आ रहे हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। कोई है जिसका 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे अमाउंट पे नहीं किया है। देखो सभी राशियां 100 अंशों पर प्रथम याचना और अंतिम याचना को छोड़कर प्राप्त हो गई थी। संचालक मंडल ने इन अंशों को जब्त कर लेने का निर्णय किया। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है? कहीं डाउट है किसी को? नो मैम। चलो एंट्रीज क्या करेंगे जल्दी से बताओ, शॉर्टकट में करते हैं ना एकदम। देखो किसकी अमाउंट नहीं मिल रही है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की नहीं मिल रही है अमाउंट। और कोई ऐसा है क्या जिसकी नहीं मिल रही है अमाउंट? नो मैम, है ना। तो अपन डायरेक्ट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं डायरेक्ट। तो देखो फर्स्ट कॉल की अगर हम एंट्री करते हैं ड्यू वाली, तो क्या करते हैं वो स्टार्टिंग वाली आप लोग कर लेना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। क्या होती है एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल अलग है फाइनल अलग है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। 4,000 अंशों के लिए आ रहा है कितने का? 20 रुपए से फर्स्ट कॉल, तो 4,000 × 20 करोगे तो कितना आएगा? 80,000। फिर जब बैंक से मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो ये बोल रहा है कि 100 अंशों के पैसे नहीं आए। देखो कोई जिसके पास 100 शेयर है उसने फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए? 20 रुपए। तो जब वो नहीं दे रहा है कितने 100 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं देगा तो कितना हुआ इसका? 2,000 हुआ। इट मीन्स हमको 80,000 में से 2,000 क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट? 78,000। और यहाँ पे लिखना ये जैसे 4,000 शेयर्स थे तो हमको कितने शेयर्स के पैसे मिले? 3,900 शेयर्स का इंटू 20, तो ये हो जाएगा 78,000। ये हो गया फर्स्ट कॉल का। अब सेकेंड कॉल का सेम, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम। कितने शेयर्स के लिए? 4,000 शेयर्स के लिए 10 रुपए का है फाइनल कॉल, ये देखो। तो ये हो गया 40,000 और ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। तो फिर से 100 शेयर्स पे कितना नहीं मिल रहा है? 10। कितना हुआ? 1,000। इट मीन्स हमको कितने शेयर्स का पैसा मिल रहा है? 3,900 शेयर्स का 10 रुपए के हिसाब से, तो 39,000। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर फीचर की एंट्री है वो मैं आपको कल बताऊंगी।